हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो भाई बहुत दिन देह टे असुस्थ वीडियो पक पड़ी तो आज आसी गोटे ब्लॉग बन बोली तो एत दिन घर रही कौन भल लगेगा चिड़चिड़ लगुला से भाई आज टे रनिंग ग्राउंड आड़े बुल आसवा आईपाई टे आसगल ये बुलाया तुम गोटे जिनस देखे दे देख तो मैंने बिलिव कर जिनसा एपर्त अच्छी चोरी भी है एपर्त टायरटे पड़ी ये टायरटे आम कि मात्र 350 टाँग दे कि रनिंग किणाई था जो मोर जो पार्टनर थे मैंने जो भाई जोटा कि मुझे देखिए मोटिव होती से एमती प्रिपेरेसन कर देखिए प्रिपेरेसन करी से मुझे जॉन करी एनसीसी कैडेट से एम थी सी गोटे मैंने आर्मी अफिसर है एम थी से रनिंग फर्णिंग जहाँ भी फिजिकाल थी सी सब ये करूँ मुझे मैंने ट्रेनिंग करी सागे तो दुज मिसिक ट्रेनिंग करूँ तो सी मतलब कहते जिते भी रनिंग करूँ तो रनिंग को टी बेटर बनवाई पचर टायर लगे देव अंटार बांधदेबू रनिंग करूँ तो रनिंग आउ टे स्पीड ओवर देन बेटर भी हो पार तो आम से सब रनिंग करूँ भाई कि खरा होगा उपरक जाए कम भाई देख ये घर आस मुझे ठिया गली खरा होते घर भी नाला मैंने पड़िया आजिका डेट्रे बहुत किसी चेंजेस हो जाए मैंने गोटे वर्ष तल कथा कहूँ गोटे वर्ष तेज़ किसी भी नाला जान पड़े एर सब बण थी मानने खाली कंटा गछ मानने वज्रमूली आ गुगुछिया जो कहते से सब गच मैंने पूरा भर्ती थी आज सेपट सैड देखु गोटे नेट लगी नेट लगी सेपट जो गच बाउंड्री सब देखु सेपट सैड जो काशतंडी फुल होती काशतंडी फुल मानते ग्राउंड सारा हो जाए मैंने एत गच हो जाए मैंने सफा कल भाई मैंने बहुत ट्रबुल मैंने बहुत ही असुविधा है रनिंग कला बेलू आगे सब मैंने आम जो रनिंग सब बनईलु जो कहते कौन कहते मन ट्रैकटा जो था ओडिया तो कौन मन पड़नी इंग्लीश से कहती ट्रैक तो ट्रैक पैक सब लिभ कहीं जो पड़िया कम सब है सब दबी दबी जाए सब सब सफा सफल दबी दबी जाता है धीरे धीरे सब मैंने ठीक ठाक करदे एवं सब मैंने देख ये रोलर उठा जोटा कि क्रिकेट टीम तक सब रखिंट ये ये बर्तमान पर क्रिकेट प्राक्ट हो आगुरी सब नाला एवं कौन ओ सी ये ग्राउंड कि सब मैंने सब डेवलपमेंट हो सारी देख ये गोटे रोलर अच्छे यहाँ हूँ मिनि रोलर आ चार दिन पूर्व गोटे बड़ रोलर टे चलता तो से रोलरटा ये आवेलेबल ना यहाँ बोलते पड़ी नेटा ये लगे आउ गए सेपट लगे दुटा सेपट था गोटे एपट को पड़े आने वर्ष पूर्व आम ये आते प्रोब्लेम फेस करूँ आज देखुची कि आजिका पीलाई सब फैसिलिटी होगा मैंने धीरे धीरे कि सेपट जो सैड देखो गोटे बाउंश बंधा गोटे छोट देखा गोटे सैड गोटे बाउंड्री पाखे गोटे छोट बाउंश बंधा जगटा अच्छी से ओपन जिम मानते जमी आम नॉर्मली बुढ़ा बुढ़ी हूँ कि छोट पिला भी हूँ आसिक जो स्लाइड हुए कि चक्री जो आम सब बसती है कि एक्सरसाइज पे जमी भी मानते जिन सब से लगे यहाँ हबार अच्छे सी गोटे कि आज दु वर्ष भितर बोधे हो काम वर्तमान पर चली भितर आम जो रनिंग कर भाई बहुत प्रोब्लेम फेस कर प्रोब्लेम मैंने आम निजे हाथ में घास उपाड़ी जीवु जो आम रनिंग करूँ हाथ मैंने पूरा छिड़ी जाए एत घास भितर ये उपाड़े फोन तो रनिंग करूँ ना तो बहुत प्रॉब्लम फेस करूँ भाई ये बर्तमान तो भाई केते जोर खराब हो मुझे ठिया भी हो पानी बाहर और उपरको जो थंडा है भाई कथा भी कह भाई असुविधा हो गोटे कथा तुम मैंने कहते मुझे छोट बलू क्रिकेट खेल जानी तुम मैंने शुणी हस क्रिकेट कौन है पिलाटा जानी तो भाई सत कथा है छोटे मुझे क्रिकेट खेल जमा खेली से क्रिकेट विषय मोर टे भी ज्ञान नहीं मोर सब सांग मतलब कहते अरे तार रन के लगे के खेल देखी ये करते सब कहते भाई सत कथा है मुझे खेल देखे कि खेल विषय कि जानी तो से सब कथा नहीं मैंने कथा मजा करते मुझे सब मैंने मुझे पड़े मुझे बाहरी करते जानते से सब जिन मन रखिले निजी कष्ट हे आउ कहीं कष्ट पाएनि तपे सत कथा है छोट मोर गोटे स्वप्न था जो गोटे भल बॉडी बिल्डर थी जो पाखे पैसा नहीं जिम जावाई तो सीटा आम अफोर्ड भी कर जिमटा को तो घर नॉर्मली आम चकी थाए कि चकी ईटा ये सब जिनस को नहीं आम बॉडी बनने आरंभ करते तीन चार जन तो से धीरे धीरे छाड़देली जमी मुझे देखा देखे छाड़देली बॉडी बिल्डिंग तो बॉडी बिल्डिंग करते अवश्य एवं डेट मानुछ किटा अज्ञा चलो मिडिल क्लास फैमिली जो कि आरेन्ज कर जिम जापरि तो से पाखे पैसा नाला तो सेमें जेहतु ए छोट 10-12 वर्ष तो मुझे तो जिम आलाउ भी ना से जिम जापार था कि तो से जिम जापारे तो ये भावु जिम जॉइन करें इच्छा भी ना जिम जॉइन करा तो मैं बर्तमान मैं प्लानिंग टे करा पुलिस पकड़ा देखा जाए कत दूर से मैं सक्सेसफुल होक्सेसफुल कौन मुझे बिग बिलियन चलता तो रनिंग जोता मैंने आगे जहाँ सब यूज करूँ फाटी पटी गला तो नुआ जोता मगर था बिग बिलियन ने जोटा 15 टाँग जोता मुझे उठे 5 टाँग है कि तो सैटा उठेला मुझे कहली एथर ना आ रही
ଏଥର ଯିବା ସବୁ ରନିଂ କରିବାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିଲି, ତୁମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଦେଖେଇଦେଲି କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି ଏବେ ଦେଖ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ପୁରା ପାରାଲାଲ ହେଇଛି, ମାନେ ଆଗରୁ ଏତେ ଖାଲ ଢିପ ଥିଲା ନା, ରନିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଏତେ କଣ୍ଟା ଥିଲା, ଗୋଡ଼ରେ ଯଦି ବାଜ ମାଛ ଆଖିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଟ୍ରବୁଲ୍ କରେ। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ନେଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଏଠି ଓଳିଆ ବି ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲା, ଆସିକି ଓଳାଓଳି ବି କରିପାରିବୁ ଚାହିଁଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଲାଗିଛି, ହବ କି ନ ହବ କହିବିନି, କାହିଁକି ମୋ ଦେହରେ ଡିଫେକ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ କି, ମାନେ ଏବେ ତ ମୋଟା 100 ମୁଁ ଅଛି, ଆଗ ଦେହ ଶୁଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ହାଇଟ୍ ବି ଟିକେ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାଇଟ୍ 5'4", ମାନେ ମିନିମମ୍ ତ 6 ଯାହା ବି ଯେଉଁଥିରେ ବି ପକାଏ ମିନିମମ୍ 6 ହାଇଟ୍ ଦରକାର। ତାପରେ ନକ୍ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋର ଆଗ, ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଟା, ନହେଲେ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ କଟିଯାଇପାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରବୁଲ୍ ହେଲା କି ଭାଇ। ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣଟା ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ବୋଲୁଛି ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି NCC'ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍, ଭାଇ ଆକୁ ଦେଖି ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କିଏ NCC ବାଲା ରନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ତା'ର ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଏଠି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, 2-3 ଦିନ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ, ହାଲକା ମାଟି ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ହେଇନି, ଭଲ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏମିତିଆ 4-5 ପିସ୍ ଘରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, NCC ନେଇଥିଲି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ NCC ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ମାନେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋତେ ଜଏନ୍ କରାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଭାବିଥିଲି କଲେଜରେ ବି ସେଇଟା ଜଏନ୍ କରିଗଲେ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହେଉ କି ଆର୍ମି ପାଇଁ ଯଦି ବାଜିଗଲା ତ ଭଲ କଥା, ନାହିଁ ତ ଅଲଗା କଥା ଦେଖିବା, ଅଲଗା ରାସ୍ତା କ'ଣ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ସବୁ କିଛି ପଇସାରେ ହିଁ ହେଉଛି, 3-4 ପିଲା ପଇସା ଦେଇ ରହିଗଲା, ଆଉ ସିଟ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମିଳିଲାନି ସିଟ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ ବଦଳେ ମୁଁ ନାଇଁ ଆଉ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ନେବାନି, ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଏଠି ନା ବେଶୀ ସମୟ ଠିଆ ହେବନି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିଛି ପାଖରେ, କାଲି ଆସିବି ରନିଂ କରିବାକୁ, କାଲି ହେବ ନହେଲେ ପହରଦିନ ଆସିପାରେ, ନହେଲେ ତ ସୋମବାର ଅଛି ଆସିବନି, କଲେଜ ଅଛି ପହରଦିନ କି ତାପରଦିନ ଆସିପାରେ ରନିଂ ପାଇଁ, ଜୋତା ବି ଆସିବ ମୋର କାଲି ଆଡ଼ିକି, ତ ରନିଂ ଆସିଲାବେଳେ ଯଦି କିଏ ଦେଖା ହେଲା ଚେନ୍ସେସ୍ ବାଲା ତାକୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ନ କରିବି। ବାକି ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭାଇ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବ। ରହିଲି ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେସ୍ ଆଉ ଧମା କେତେ ଭିଡ଼ିଓରେ।